दोस्तों टेक्निकल ज्ञान के साथ थोड़ा माल मसाला होना भी बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी ऐप्स और ट्रिक्स जो आपकी जिंदगी बदल देंगी। तो ये ट्रिक्स एंड ऐप्स आप सभी स्मार्टफोन यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यार आप में से 91% लोग ऐसे हैं जो वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यार कौन करेगा चैनल को सब्सक्राइब? तो चलिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, और इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं काफी ज्यादा पॉपुलर और यूजफुल ऐप से, जिसका नाम है वाई म्यूजिक। इस ऐप में आप YouTube पर अवेलेबल किसी भी सॉन्ग को फ्री में बिना किसी YouTube ऐड के सुन सकते हैं, या फिर उसकी वीडियो को प्ले या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करने के बाद आपको लेफ्ट साइड से स्वाइप करना है, और उसके बाद आपको जाना है डिस्कवर में। यहाँ पर आपको पॉपुलर सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। वैसे आप चाहें तो अपने फेवरेट सॉन्ग को सर्च करके भी आप ढूंढ सकते हैं। किसी सॉन्ग को प्ले करने के बाद इसमें ऊपर की तरफ एक वीडियो का आइकन आपको दिखाई देगा, जिस पर टैप करने के बाद आप चाहें तो उस सॉन्ग की वीडियो को अपने हिसाब से किसी भी क्वालिटी में प्ले कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ इसके साइड में ही एक डाउनलोड का आइकन आपको मिलेगा, जिस पर टैप करने के बाद आप उस सॉन्ग की जो भी आपने प्ले किया है उसकी ऑडियो या फिर वीडियो को अलग अलग क्वालिटीज में डाउनलोड कर सकते हैं। ऑडियो वीडियोस को प्ले या डाउनलोड करने के अलावा इसमें आपको इक्वलाइजर का ऑप्शन भी मिल जाता है। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। यानी YouTube म्यूजिक के सब्सक्रिप्शन पर पैसे खर्चने की अब आपको जरूरत नहीं है। ये ऐप बिल्कुल फ्री में इतना सब आपको प्रोवाइड कर रही है। चलिए चलते हैं दूसरी अमेजिंग ऐप की तरफ, जिसका नाम है रिमिनी। ये ऐप AI का यूज करते हुए किसी भी ब्लरी या फिर लो क्वालिटी की इमेज में डिटेल्स को ऐड करके उन्हें एक शार्प लुक दे देती है, वो भी सिर्फ एक सिंगल क्लिक में। इसके फ्री वर्जन में 10 स्टाइल आपको मिलेंगे, और हर एक टास्क के साथ आपको एक ऐड देखनी पड़ेगी जिसको आपको स्किप नहीं करना है। और ऐड खत्म होने के बाद आपकी धुंधली फोटो एकदम शार्प हो जाएगी। यहाँ पर पता नहीं आप डिफरेंस देख पा रहे हैं या नहीं, लेकिन स्क्रीन पर आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से इस ऐप ने काम किया है। इसी ऐप की मदद से आप और भी कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको किसी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को कलरफुल बनाना है तो वो भी आप इसमें एक सिंगल क्लिक में ही कर पाएंगे। इसके लिए आपको जाना है मोर ऑप्शंस में, और यहाँ पर आपको एक कलराइज करके एक ऑप्शन मिलेगा, और उसके बाद आपको कोई भी एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो सिलेक्ट कर लेनी है। और इसके बाद पहले की तरह ही आपको इस पर ओके करना है, और यहाँ पर आपको एक ऐड दिखाई देगी जिसको आपको स्किप नहीं करना है। और ऐड खत्म होने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने एक्यूरेट तरीके से इसने इसमें कलर को ऐड किया है। तो ये बहुत ही बवाल चीज़ है, आपको ये ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, जो कि गूगल क्रोम में काम में आने वाली है। गाइज अगर आप गूगल क्रोम की सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आपको डार्क या फिर लाइट थीम का ऑप्शन तो मिल जाएगा, लेकिन ये चीज़ एकदम यूजलेस हो जाती है अगर आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, क्योंकि ये डार्क मोड सिर्फ गूगल क्रोम के इंटरफेस को ही चेंज करता है। जो भी आप वेब कंटेंट सर्च करेंगे ये उस पर काम नहीं करेगा, यानी जो भी वेबसाइट आप ओपन करेंगे वो सिर्फ आपको लाइट थीम के साथ ही देखने को मिलेंगी। तो चलिए इसे वेबसाइट्स के लिए भी अनेबल करते हैं। इसके लिए आपको गूगल क्रोम के सर्च बार में टाइप करना है :// flags, और इसके बाद जो सर्च बार आपके सामने आएगा उसमें टाइप करना है डार्क मोड, और डार्क मोड टाइप करते ही जो आपको पहला ऑप्शन मिलेगा उसमें जाकर आपको इसे अनेबल कर लेना है, और इसके बाद आपको क्रोम को रीलॉन्च करना है, और अब जो आप वेबसाइट्स ओपन करेंगे वो आपको डार्क मोड के साथ ही दिखाई देंगी। तो ये काफी यूजफुल ट्रिक हो जाती है। और अगर आपके फोन में एक AMOLED या फिर OLED पैनल है तो ये आपकी फोन की बैटरी को भी डेफिनेटली बचाने वाला है। गाइस नेक्स्ट ट्रिक भी आप सभी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगी, क्योंकि हम सबके साथ अक्सर ऐसा होता है कि किसी 5 मिनट की YouTube वीडियो से हमें कोई उसमें से 30 सेकंड का कोई पार्ट पसंद आता है, और उस 30 सेकंड के पार्ट को हमें स्टेटस लगाने के लिए उस पूरी ही 5 मिनट की वीडियो को डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन अब आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा। जो भी वीडियो आपको पसंद है उसका लिंक आपको कॉपी करना है और इस वेबसाइट में जाके उसे पेस्ट कर देना है, और इसके बाद उस वीडियो को आपको स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट इसमें चूज करना है, और उसके बाद कट वीडियो पर क्लिक कर देना है। थोड़ी ही प्रोसेसिंग के बाद आपके सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, एंड बूम, आप अपने फेवरेट पार्ट को इस वीडियो में से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट और इस वीडियो में बताई गई सभी एप्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गाइस अगर आप कॉपी पेस्ट बहुत ज्यादा करते हैं तो नेक्स्ट ट्रिक आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है। यूजुअली ऐसा होता है कि लास्ट कॉपी टेक्स्ट को ही हम पेस्ट कर पाते हैं, लेकिन अगर आप गूगल कीबोर्ड के क्लिपबोर्ड ऑप्शन को ऑन कर लेंगे तो इसमें आपको वो सारे टेक्स्ट मिल जाएंगे जो आपने रिसेंटली कॉपी किए हैं, और उन्हें आप एक एक करके जहाँ पर भी चाहें पेस्ट कर सकते हैं। और गाइस गूगल कीबोर्ड की सेटिंग्स में आप अपने हिसाब से एक तरह से कहे तो शॉर्टकट्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं गया इसके पर्सनल डिक्शनरी में, और यहाँ पर मैंने एक वर्ड टाइप किया सब्सक्राइब, और इसके शॉर्टकट में मैं लिख देता हूँ SB। तो अब जहाँ पर भी मैं SB टाइप करूँगा तो वहाँ पर सब्सक्राइब ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा।
एंड्रॉयड की बातें तो हमने बहुत कर ली, अब लगे हाथ iOS की ऐप को भी लपेट दिया जाए। इस ऐप का नाम है फोकस और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ऐप मुझे लगी क्योंकि इस ऐप की मदद से आप किसी भी फोटो के बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं और जो सब्जेक्ट है उसका एज डिटेक्शन भी ये बहुत अच्छे तरीके से करती है। तो परमिशंस को अलाउ करने के बाद आपको एक फ़ोटो को सिलेक्ट करना है और फोटो जैसे ही सिलेक्ट होगी उसके बाद थोड़ी सी प्रोसेसिंग का टाइम ये लेगा। उसके बाद आपको सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है स्लाइडर की मदद से और आप पीछे का बैकग्राउंड का जो ब्लर है उसकी इंटेंसिटी को भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं और बस काम हो गया। और उसके बाद आप फोटो अपनी सेव कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए कि कितनी अच्छे तरीके से इसने एजेस को डिटेक्ट किया है और इतना अच्छा एज डिटेक्शन कई बार डेडिकेटेड डेप्थ सेंसर वाले फोन्स भी नहीं कर पाते, तो ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल ऐप मुझे लगी। तो बस गाइस ये थी आज की हमारी ट्रिक्स और एप्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। बाय बाय।